हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑप्टिमस गेमिंग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीडिंग प्लेसेस गाइस, जो कि OB17 अपडेट आने के बाद हर जगह को चेंज कर दिया है। उसके बाद का जो न्यू आपको हीडिंग प्लेसेस देखने को मिल जाएगा, तो सभी एक एक करके हीडिंग प्लेसेस बताऊँगा और 4 या 5 हीडिंग प्लेसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो सबसे पहले होगा वो ज़्यादा काम का नहीं होगा, लेकिन जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा काम में आएगा। इस तरह का कुछ सीक्वेंस है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन भी दबा लेना। और यहाँ पे एक न्यू इवेंट आ गया, देख सकते हो गाइस, न्यू करेक्टर अपना, जो भी आपका फेवरेट करेक्टर आपके पास नहीं है तो वो आप ले सकते हो, या आप अगर आपके पास सब कुछ है तो ये आप डायमंड रॉयल का 5 कार्ड ले सकते हो, 5 वाउचर, और मेरा गिल्ड में ज्वाइन हो जाना गाइस। मैं आपको थोड़ी देर में आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम पास के, सो लेट्स बिगिन। तो जो अपना फर्स्ट प्लेस है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे संतोषा, और यहाँ पे केप टाउन और संतोषा का जो ब्रिज हमको जोड़ता है, संतोषा और केप टाउन को जो ब्रिज जोड़ता है गाइस, जैसे को जूम करके मैं दिखा देता हूँ यार, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिज जो जोड़ता है गाइस, यहाँ पे है फर्स्ट प्लेस अपना। तो यानी कि इतना ज़्यादा तो काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर इससे जोन बन जाता है और आपके तीनों प्लेयर मर जाते हैं तब यहाँ पे आप आराम से कैंपिंग कर सकते हो, क्योंकि कैंपिंग करना मुझे तो पसंद नहीं है खास तौर पे, लेकिन फिर भी अगर आपके तीनों प्लेयर मर जाते हैं तो आप आराम से कैंपिंग कर सकते हो, और अगर इधर से कोई बंदा है तो आराम से उसको किल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट प्लेस गाइस। अब बात करेंगे सेकंड प्लेस की, तो सेकंड प्लेस भी आपको यहीं मिल जाएगा गाइस, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पर कोई बंदा है तो आप वहाँ पर जाके ईजिली कैंप कर सकते हो गाइस। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे, तो रैंक मैच में भी ये बहुत काम आता है गाइस, क्योंकि इधर कोई बंदा नहीं आता, आराम से इधर आप कैंपिंग कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए कि कहाँ पे कैंप कर सकते हो, कहाँ पे अच्छा रहेगा आपके लिए कैंप करना, क्योंकि सोलो में अक्सर रैंक में ऐसा होता है कि कोई अच्छी से लूट नहीं मिली और बंदा सामने आ जाता है तो अचानक जाके हमको कैंप करना पड़ता है, क्योंकि लूट उतनी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज है, जहाँ पे ब्रिज आपको देखने को मिल जाता है, उसके थोड़े से आगे एक टनल टाइप का है, उसके पीछे जाके आराम से आप जंप कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इधर वो तो जोन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर अचानक से जोन आ जाए, आपके तीनों बंदे ना हो या डुओ में अकेले बच गए हो या सोलो में स्क्वाड में अकेले बच गए हो, तो इधर आके आराम से आप कैंप कर सकते हो गाइस। इधर आपको कोई नहीं देख पाएगा, सामने से तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा यार कोई, और निकलने के लिए भी बहुत ईजी है, यहाँ से ऐसे जंप करके ईजी निकल सकते हो। तो ये था अपना सेकेंड प्लेस गाइस। अब बात करते हैं थर्ड प्लेस की, तो वो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री में गाइस, जो न्यू अपडेट आया। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको 3-3 लेयर आपको देखने को मिल जाते हैं स्टेयर्स की। ये फर्स्ट लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिसमें मैं खड़ा हूँ, उसके बाद सेकंड लेयर, और उसके बाद एक और फाइनल लेयर जो ऊपर बनाया गया सबसे, तो वहाँ पर आपको जाके कैंप करना गाइस। तो देख लो सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस जो है ये आपको फैक्ट्री में पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जैसे ही ऊपर आ जाओगे, फिर इधर से जैसे ऊपर आओगे, ये तो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे आपको जैसे ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको थर्ड लेयर में जाके यहाँ पे छुपना है गाइस, और यहाँ पे आपको कोई देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे के बंदे आप अक्सर नीचे ही ढूंढते रहते हैं बंदों को, ऊपर कोई देखता नहीं है, तो आराम से किल भी कर पाओगे। और ये चारों तरफ आप छुप सकते हो, यहाँ पे भी छुप सकते हो, देख सकते हो इधर भी वो दिया गया है उस तरह का, लेकिन इधर से गिरोगे तो थोड़ा डैमेज हो जाएगा, लेकिन उधर से गिरने का कोई चांस ही नहीं है, देख सकते हो वहाँ पर। तो पहले मैं जाता हूँ और वहाँ पे बैठ जाता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे येलो वाले रॉड को एकदम घेर कवर करके खड़े होना है, देख सकते हो ऐसे कर कवर करके, फिर आपको हल्के से जंप करके यहाँ पे आ जाना है, डायरेक्शन बना के एंगल करके, फिर आपको यहीं पे बैठ सकते हो यहाँ पे इजीली, और यहाँ पे आपको कोई मार भी नहीं पाएगा गाइस, और आराम से आप किसी भी बंदे को किल कर सकते हो। देखो जैसे कि गेट से आया तो हल्का सा पीछे ऊपर गेट के बंदे को एम करके आराम से मार सकते हो गाइस, और उसके बाद बचने का कोई चांस भी नहीं देगा। ग्लू वॉल लगाएगा फिर भी उसको हेडशॉट ही पड़ेगा। तो मैं एक दो देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आराम से फायरिंग कर सकते हो, कहीं भी बंदा है तो कहीं भी से आराम से फायरिंग कर सकते हो, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि बंदा ऊपर बैठा हुआ है और हमको मार रहा है करके। तो इस तरह से आप आराम से स्कोप करके मार सकते हो, बिना स्कोप किए मार सकते हो, जैसे भी हो मार सकते हो आराम से। यहाँ पे कोई भी बंदा है तो कवर लेने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा, सीधा हेडशॉट पड़ेगा। और अगर निकलने का कवर लेके निकलने का कोशिश किया, बाहर भागने का या आपको मारने का, तो फिर भी डायरेक्ट उसको हेडशॉट ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ऊपर से मारोगे तो ईजिली हेडशॉट पड़ेगा। तो जो फोर्थ प्लेस है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक में ये अलग घर में जो आपको जो यहाँ पे छतरी टाइप का कुछ दिखता है गाइस, ये एंटीना टाइप का, तो यहाँ पे आप जाके आराम से कैंप कर सकते हो यहाँ पे। तो इधर बहुत ज़्यादा आता है गाइस, इधर बहुत ज़्यादा सेफ जोन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे का वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, इधर अक्सर ऐसा होता है कि रैंक मैच में स्क्वाड में इधर बहुत ज़्यादा 50% चांस रहता है कि मार्स इलेक्ट्रिक में आपको बने सेफ जोन। तो
इजीली आप इधर आराम से कैंप कर सकते हो और कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। तो आराम से ऐसे दौड़ के जाना है, चल चल के जाना है, उसके बाद आराम से इधर आके यहाँ पे आप बैठ सकते हो। पहले अपडेट में ये नहीं था, यहाँ पे नीचे में बैठने का कोई चांस नहीं था, और बैठते भी थे तो दिख जाता था। तो यहाँ पे अब जो सामने से देखेगा ना गाइस, तो कोई नहीं दिखेगा। यहाँ पे पूरा कवर है, देखो मैं गोली चला के भी दिखा देता हूँ, पूरा कवर है गाइस, देख सकते हो यहीं पे गोली चल रहा है, कोई आगे नहीं जा रहा है गोली। और इधर से बस मार सकते हो आप, इधर से कोई बंदा है तो इधर से आराम से मार सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको मारने में किसी भी को। और अगर आप यहाँ पे लेट के मारना चाहो तो वो भी मार सकते हो, देख सकते हो गाइस, इजीली पूरा इजी बन जाएगा आपके लिए, और आराम से बुया हो पाओगे। अगर इधर आपके चार पांच बंदे बचे हैं बस, और यहाँ पे आप कैंप कर रहे हो, तो आराम से बुया हो जाओगे गाइस। और नीचे उतरने के लिए यहाँ से जंप कर सकते हो, या वापस वहीं से भी जाके मार सकते हो, और यहाँ पे भी बैठ सकते हो गाइस। आपको दूर थोड़ा ज़्यादा है, दूर एम करना है तो यहाँ पे से मार सकते हो आप, पीछे आगे के बंदे नहीं मार पाएंगे आपको, ये मेरा पक्का बता रहा हूँ कि आगे के बंदे आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, और इजीली आप सबको मार दोगे। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इस तरह के वीडियो सबको रोज़ रोज़ देखने को मिलते रहे। और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी आने वाली है, और कल या परसों आपको इंडिपेंडेंट डे वाला जो बॉक्स आया था उसका जो है वो 35 क्रेट मैं ओपन करूंगा, देखते हैं हमको कुछ मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा लेना गाइस। और अब बात करते हैं लास्ट प्लेस की, जो सबसे ज़्यादा आपको वर्क काम में आने वाली, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो वाला प्लेस। तो यहाँ पे जब देख सकते हो गाइस, भीमा शक्ति प्लांटेशन के आगे जो ब्रिज है, वैली कहते हैं जिसको गाइस, यहाँ पे जो ब्रिज है यहाँ पे आप आराम से आके कैंप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे सेफ प्लेस है गाइस, यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, कोई मार नहीं पाएगा, और आप वहाँ से आराम से किसी भी बंदे को मार सकते हो। तो ये रैंक मैच था गाइस, और मैं डर रहा था कि कोई आके मुझे ना मार दे करके, लेकिन यहाँ पे आया तो फिर मैं आराम से बहुत टाइम तक कैंप कर आ रहा था गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पे इजीली ऐसे आना है पिल्लर पे जंप करके, और इधर आपके आराम से ऐसे छुप सकते होगा, और ये सामने दिख रहा होगा आपको, तो लग रहा होगा कि सामने से कोई भी बंदा मार देगा, तो सामने से कोई नहीं मार पाएगा यार। आराम से देखते रहो वीडियो को, देखो सामने से कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसे पूरा कवर्ड इलाका है, पूरा कवर है यहाँ पे, और इधर से आप इजीली निकल सकते हो। ऐसे जंप करना, कॉर्नर में आके जंप करोगे तो सीधा ऊपर ऊपर होते होते ऊपर चले जाओगे, फिर आपको सामने पिलर दिखेगा गाइस, उस पर कूदना यार। मैं डायरेक्ट नीचे कूद गया था, तो ये सामने आपको पिलर दिख रहा है, उस पर कूदना, डायरेक्ट नीचे मत कूदना कभी भी। तो मैं दिखा देता हूँ कि सामने से गाइस, कोई टेंशन नहीं आपको, सामने से मार देगा कोई करके। तो ये देखो मेरा डुओ जो हम लोग खेल रहे थे, तो साथ में एक बंदे को लाया था मैं, देखो वहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, पूरा कवर है, वो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ उसका नाम दिख रहा है आपको, देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो वीडियो को। तो गाइस ऐसा वाला वीडियो रोज़ रोज़ आता रहेगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोज़ रोज़ इस तरह के वीडियोज, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज, और सभी चीज़ की वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे गाइस। तो बहुत बहुत मेहनत लगती है यार, चार पाँच या छः सात गेम लगा इतने ढूंढने में, फिर दो तीन गेम लगा इसको बनाने में। तो आज का वीडियो बस इतना ही था यार, 20 लाइक कर देना गाइस, 20 लाइक कैम करते हैं आज की वीडियो के लिए, 20 लाइक कर देना बस, और शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ जो कि आपके साथ हमेशा स्क्वाड में खेलते हैं, और आप तीनों अगर मर जाओगे तो काम आता है इस तरह के वीडियोज़ के हेल्प से, आराम से वो कैंपिंग कर सकता है और आपका रैंक माइनस होने से बचा सकता है। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।